वर्ल्ड वॉर टू के इंपीरियलिस्ट जापान आज वापस अपने समुराई रूप में आते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन क्यों? दोस्तों, वर्ल्ड वॉर टू में यूएस के न्यूक्लियर बॉम्ब्स की मार झेलकर जापान की हार हुई और जापान ने अपनी अग्रेसिव पॉलिसी छोड़ते हुए पैसिफिस्ट पॉलिसी अपनाई। लेकिन आज वर्ल्ड वॉर टू के बाद पहली बार जापान ने साउथ पैसिफिक आइलैंड्स के 15 कंट्रीज के डिफेंस मिनिस्टर्स को इन्वाइट किया और इन सभी देशों को जापानीज डिफेंस फोर्सेज की सर्विसेज प्रोवाइड करने का प्रपोजल दिया और जापान ने ये स्टेप चाइना के इस रीजन में एग्रेसिव एक्सपेंशन को रोकने के लिए लिया। आज चाइना इन छोटी कंट्रीज के साथ डील करके उनके फिशिंग राइट्स लेता है और चाइना की पैसिफिक फिशिंग फ्लीट की ग्रोथ 2012 से 500% हुई है। साथ ही साउथ पैसिफिक स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लैटिन अमेरिका का एक्सेस भी प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको कि जापान चाइनीज इन्फ्लुएंस को कम कर पाएगा? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं।